अमिताभ बच्चन को लेकर जितनी फिल्में बनी हैं उससे कई गुना ज्यादा तो सिर्फ सोची और रह गई। अमिताभ बच्चन तक पहुंचना और उनको अपनी स्क्रिप्ट सुनाना कोई आसान काम नहीं है, उस पर उन्हें ये स्क्रिप्ट पसंद भी आनी चाहिए। अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। आज जब उनकी उम्र 80 बरस पार कर चुकी है, तब भी ऐसे सैकड़ों निर्माता और निर्देशक हैं जो उनके साथ कम से कम एक फिल्म तो बनाना ही चाहते हैं और उनसे मिलकर अपनी फिल्म की कहानी और स्क्रिप्ट सुनाना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन जब अपने करियर के शिखर पर थे, तब टीनू आनंद जैसे निर्देशक को भी उन्हें अपनी कहानी सुनाने के लिए महीनों लग गए थे। टीनू आनंद फिल्म राइटर इंद्रराज आनंद के बेटे थे और उनके पास अमिताभ बच्चन के लिए एक कहानी थी, कालिया। टीनू आनंद जब स्टूडियो अमिताभ बच्चन का पीछा करते थे, हालांकि ये वही टीनू आनंद थे जिनकी वजह से अमिताभ बच्चन को 1971 में उनकी डेब्यू फिल्म सात हिंदुस्तानी मिली थी। अमिताभ बच्चन हर बार उन्हें आज नहीं कल कहकर टाल दिया करते थे, क्योंकि उस समय अमिताभ के पास समय नहीं था। लेकिन आखिरकार ऐसा हुआ कि फिल्म डॉन के सेट पर टीनू आनंद ने अमिताभ बच्चन को पकड़ ही लिया और अपनी फिल्म कालिया की स्क्रिप्ट सुना दी। अमिताभ बच्चन जब फिल्म की स्क्रिप्ट या कहानी सुनते हैं तो उन्हें देखकर ही उनकी पसंद या नापसंद का पता चल जाता है। जब टीनू आनंद ने अमिताभ बच्चन को पूरी स्क्रिप्ट सुना दी तो वो चुपचाप बैठे रहे। टीनू आनंद ने कुछ पल उन्हें देखकर और कहा कि अब आपको मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि स्क्रिप्ट पसंद आई है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आपको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। तभी अमिताभ बच्चन हैरान रह गए कि टीनू ने ये बात कैसे समझ ली। उन्होंने टीनू आनंद से पूछा कि ये बात आपको कैसे पता चली। इस पर टीनू आनंद ने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि अगर अमिताभ बच्चन स्क्रिप्ट सुनते हुए आसमान की तरफ देखने लगे या फिर अपने बालों को ठीक करने लग जाएं, तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने स्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी। मुझे खुशी हुई कि जब मैं स्क्रिप्ट सुना रहा था तो आपने ये दोनों चीजें ही नहीं की, अमिताभ बच्चन सुनकर हैरान हुए। उन्हें टीनू आनंद का आत्मविश्वास भी अच्छा लगा। उन्होंने टीनू आनंद की ये फिल्म साइन कर ली। 1981 में रिलीज हुई ये फिल्म न केवल हिट रही, बल्कि इसके डायलॉग भी लोगों ने खूब पसंद किए थे।